न्यूज, खबर वही जो हो सही। से पहले हमारे न्यूज को देखने के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। इस घर में इस वक्त मातम पसरा है क्योंकि इनका चहेता अपनी जान गवा चुका है, वो भी पबजी खेलते हुए। घर वालों की माने तो 12वीं में पढ़ने वाला फुरकान लगातार 6 घंटे से पबजी खेल रहा था और उसके लास्ट शब्द थे ब्लास्ट हो गया। इतना कहने के बाद ही वो बेहोश हो गया। इस गेम के लिए पागल था मैं, बहुत मना करती थी भाइयों मत खेले कर, तो मेरे को डांटता था वो। दूसरा से इस गेम के लिए पागल था, खेलता था वो, बस जब फ्री रहता था तभी लेके बैठ जाता था पबजी। उस टाइम तो वो उठा था ना, बस तभी से खेल रहा था। 5-6 घंटे हो गए तो उसको लगातार खेल रहा था, रात से खेल रहा था। रात को वो, हाँ रात को भी खेल रहा था 2 बजे तक, रात को भी खेल रहा था 2 बजे तक। आप पास में थे? हाँ, हमारे साथ सबके साथ बैठा हुआ था रात को। और जब शाम को वो खेल रहा था ना, मैं उसके पास नीचे बैठी हुई थी, वो बेड पर लेटा हुआ था, तो एकदम से उसने मोबाइल नीचे रखकर और हाथ चिल्लाने लगा वो बहुत तेज तेज, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने सबको आवाज लगाई, सबको आवाज लगाई। वो अयान के साथ गेम खेल रहा था, वो कह रहा था अयान इधर आ जा, अयान इधर आ जा, तूने मेरे को हरवा दिया, तुम्हें खेलना ध्यान दो, आज के बाद अयान तेरे साथ गेम नहीं खेलूंगा, अयान आज के बाद तेरे साथ गेम नहीं खेलूंगा। बेहोश होने के बाद उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों की माने तो फुरकान की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। फिलहाल फुरकान के घर वाले अपने बच्चे की दुनिया से जाने को लेकर काफी दुखी हैं। फुरकान पढ़ने में काफी तेज था लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे पबजी की लत लग गई थी और उसकी ये लत उसकी मौत की वजह बन गई।